हाँ, यूट्यूब चैनल मैं हूँ अमित और आप देख रहे हैं सुकमा स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम एक विज्ञान विषय की जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनकी एक सीरीज लेके आए हैं। साथ में हमारे हैं मोहित सर, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर हैं साइंस के, जो कि केमिस्ट्री पिछले लगभग 4-5 सालों से पढ़ा रहे हैं। तो हम भी इनके साथ हैं, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मोहित सर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सन 2024 में बनने वाले हैं हाई स्कूल सभी राज्यों के लिए, उत्तर प्रदेश में और किसी भी स्टेट का बोर्ड हो चाहे, मोहित सर ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत महत्वपूर्ण। अगर बच्चा ये क्वेश्चन बनाकर चला गया मोहित सर, तो मुझे नहीं लगता कि वो बच्चा 90 प्लस से कम स्कोर करेगा। 90 प्लस आएंगे सर, बिल्कुल 90 प्लस आएंगे। बहुत, ये जो कक्षा 10 के लिए हम सेशन आपके सामने लेने जा रहे हैं, इनमें आप ये करना है, बिल्कुल इन क्वेश्चनों को आप पढ़ के जरूर जाना, इनसे बाहर एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। अगर एक आध आ जाता है तो बाय चांस आप उसे भी करके आ सकते हैं, ऐसा ही, लेकिन आप इन पर बिल्कुल केयरफुली ध्यान देना और इन्हीं में से आपको 95-90 हमारे पिछले बच्चों 97 तक स्कोर किया है, 98 तक स्कोर किया है, इसलिए आपको देखने को बड़ा अच्छी तरीके से मिलेगा। तो हम अब ले जाते हैं, सबसे पहले हम बायोलॉजी का सेक्शन उठाते हैं आपकी तरफ। अमित सर बताइएगा ये बायोलॉजी के लिए। सर मोहित सर, मैं बायोलॉजी के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आपकी मदद से लिखकर लेकर आया हूं, जो कि मेरा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस बार होने वाला है। और बहुत साधारण क्वेश्चन है, सजीव और निर्जीव में, सजीव और निर्जीव, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स है ना। जी बिल्कुल सर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरी नजर में। तो कोई भी बच्चा ऐसा ना जाए कि बोर्ड में जो ये क्वेश्चन बिना याद करे या बिना इस पर प्रैक्टिस लगाए बोर्ड में बैठे, तो मुझे नहीं लगता कि आप सबसे बड़ी गलती करेंगे अगर इस क्वेश्चन को याद नहीं करके जाएंगे। जी हाँ, जी हाँ, ये क्योंकि सबसे पहले यदि आप किसी भी चीज को पढ़ने बैठेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि सजीव और निर्जीव वस्तु क्या होती है। ये आपको इन फ्यूचर आगे तक भी कहीं काफी बार पढ़ने को देखने को मिलेगा। और अगला क्वेश्चन बताइएगा मिस्टर, आपकी तरफ से कौन सा बहुत अच्छा होने वाला है? मेरी तरफ से जो क्वेश्चन रहेगा मोहित सर, वो उत्सर्जन रहेगा, सुपर फास्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सर। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम। जी मोहित सर, इसमें ये सर पूरा किडनी के अंदर जो होता है, किडनी की जो इकाई होती है, नेफ्रॉन, माफी चाहूंगा, वो सारा कुछ इसमें पढ़ के जाना है। किडनी सर इसी में आएगा सर, नेफ्रॉन। जी बिल्कुल सर, नेफ्रॉन यहाँ पर पढ़ के जाना है। उसके बाद जो मैं क्वेश्चन देना चाहूंगा सर, वो पाचन तंत्र है सर। पाचन तंत्र काफी बार काफी बार ये एग्जाम में पूछा गया, पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन। बच्चे जब प्रैक्टिकल में चार्ट वगैरह अपना बनाते हैं तो पाचन तंत्र का बहुत अच्छे तरीके से चित्र बनाकर जाते हैं। आप डिटेल में उसके पढ़कर जाए, और उसका जैसे ही आपका एग्जामिनर आपका वायवा वगैरह लेगा तो आप उसकी पूर्ण रूप से स्टडी करके जाए, जो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए सर। थैंक यू सर, तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, पाचन तंत्र सर। पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम। जी सर, पाचन तंत्र। उसके बाद मोहित सर आप लिखिएगा हृदय, हृदय का सचित्र वर्णन सर। बस आप मानव हृदय लिख दीजिए, बच्चे खुद समझ जाएंगे सर। बहुत चित्र से याद करें। जी जी जी, चित्र भी काफी बार पूछा गया है हृदय के बारे में। आप आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना दोनों पूछी जाती है, बिल्कुल आप दोनों की स्टडी करके जाएं। मोहित सर, इसमें एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से डलवाना चाहूंगा सर, मानव हृदय में सर। जी सर, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र सर। दोहरा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट सर, वेरी, दोहरा परिसंचरण तंत्र, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र, बहुत इंपोर्टेंट फास्ट ऐसा क्वेश्चन मालूम मोहित सर ये रखा है इस बार एग्जाम में, ये कटने वाला नहीं, जरूर मिलेगा रुद्र से कुछ ना कुछ क्वेश्चन, ये एक दो जरूर मिलेंगे आपको। जी जी जी, बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे। पांचवा क्वेश्चन, श्वसन तंत्र डलवाना चाहूंगा मैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम सर। वेरी वेरी अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको एक चीज याद रखनी है, ऑक्सीजन और अनऑक्सीजन श्वसन में अंतर भी काफी बार पूछा जाता है सर, इसी से क्वेश्चन रहेगा सर। बिल्कुल टॉपिक सेम है सर, इसी के अंदर आते हैं सब ये ऑक्सीजन और अनऑक्सीजन श्वसन सर। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है मोहित सर। उसके बाद परिवार नियोजन सर, बहुत आजकल 12वीं क्लास में भी कक्षा में पूछा जा रहा है नॉर्मली, आप सब जानते होंगे पीछे के, आप अनसोल्ड आप कर रहे हैं, रेगुलर हम करवा रहे हैं बच्चों को। बिल्कुल सर, जी 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 सर, छठा क्वेश्चन क्या रहने वाला? परिवार नियोजन सर, मेरी परिवार नियोजन जो कि बहुत जरूरी है भाई, इस पर आपको भी हमें भी ध्यान देना चाहिए, काफी अच्छा टॉपिक है। 12th में थोड़ा डिटेल में है लेकिन 10th में थोड़ा छोटा सा है, आपको इसके बारे में पढ़ना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। मेंशन किया गया है सर आज उनके सिलेबस में, बच्चों के मेंशन किया गया है परिवार नियोजन पर टिप्पणी, तो ये पूर्ण रूप से आप यहां पर करें। इसके साथ मोहित सर मैं एक क्वेश्चन और डलवाना चाहूंगा, एड्स पर टिप्पणी सर। एड्स पर टिप्पणी, हां वो भी इससे मिलता जुलता है, इसी के कारण है वो भी सारा कुछ, तो अच्छा रहेगा ये क्वेश्चन। इसी में लिख दूं? इसी में लिख दीजिए मोहित सर, इसी में लिख दीजिए सर। एड्स पर टिप्पणी, एड्स पर टिप्पणी सर, पूर्ण रूप से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बेहतर होने वाला है। लिंग निर्धारण सर, लिंग निर्धारण 100% मेरे चांस है, लिंग निर्धारण 100% इसे याद करके जाए। मोहित सर 100 गलत बोल रहा है, 200% आएगा ये, वैसे तो 500 आएगा जब हमने कह दिया, लेकिन 100% से ज्यादा कुछ होता नहीं है ना सर। बिल्कुल, थैंक यू सर, लेकिन बच्चे अगर 100-500 की बात करते हैं तो जल्दी कैच करते हैं बात को सर। इसका मतलब ऐसा क्वेश्चन होने वाला है लिंग निर्धारण, जो बहुत ही इस बार नया क्वेश्चन है बोर्ड के अंदर हाई स्कूल के सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, उस लिंग निर्धारण में जब आप लिंग निर्धारण याद करें तो उसमें थोड़ी सी एक दो आपके 10th क्लास में एक दो बीमारियां भी हैं, जैसे हीमोफीलिया और वर्णांता, आप उसकी भी स्टडी करके जाएं। बिल्कुल मोहित सर, आप इसमें लिखिएगा, मेंशन कीजिएगा सर, इसमें मेंशन कीजिएगा हीमोफीलिया सर, हीमोफीलिया सर,
हीमोफीलिया आपको पता है सर बच्चों कैसा रोग होता है, जब कोई चोट लग जाती है रक्त का थक्का नहीं होता रेगुलर, इसमें रक्त बहता रहता है सर, और वर्धमानता में क्या होता है कि जो आंख से जुड़ा रोग अंतर नहीं कर पाता व्यक्ति। बिल्कुल सर, इसमें रेलवे में 20 के जो वो होते हैं सर वो उसकी नियुक्ति नहीं होती है रेलवे में, क्योंकि लाल और हरे रंग में पहचान नहीं कर पाता है। आपको सोचा आप लिखिएगा सर मेरी तरफ से मेंडल के नियम सर, मेंडल के 100% सर, मेंडल का एक नियम 200% आएगा सर, तीनों नहीं आएंगे, कोई आपको एक आएगा जिसमें मेरी तरफ से प्रतिकरण का नियम और मोहित सर आपकी तरफ से स्वतंत्र अभिव्यन का तीसरा नियम इस बार पूछे जाने की संभावना। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। तो मैं इसमें नवा क्वेश्चन जो डालना चाहूंगा सर वो डालना चाहूंगा सर तंत्रिका तंत्र सर, तंत्रिका तंत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तंत्रिका तंत्र के बारे में आप पूरा माइंड भर के जाएं, तंत्रिका तंत्र में ही सब कुछ है कि मस्तिष्क के कितने भाग है, कितना वजन है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, इससे ही आपको एक बहुविकल्प जरूर मिलेगा क्योंकि 20 नंबर के बहुविकल्प आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल, अग्र मस्तिष्क, पक्ष मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, ये सब आप याद करके जाएं, तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम आ जाएगा पूरा यहाँ पर पूर्ण रूप से सर। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जाएगा इसमें से जो आप यहाँ से बना लेंगे। मोहित सर क्वेश्चन क्या रहने वाला है सर, 10वां क्वेश्चन मेरी साइड से अगर आप डालना चाहते हैं सर इसके अंदर, तो आप इसमें डालिए सर हीमोग्लोबिन का परिवहन पूरे सर, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का कार्य डालिए, हीमोग्लोबिन और रुधिर के दोनों के कार्य सर, दोनों के रुधिर के कार्य। बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल, रुधिर के कार्य और आप हीमोग्लोबिन के बारे में लिख दीजिए सर इसमें, ये एमसीक्यू भी आ सकता है बच्चों, एमसीक्यू भी आ सकता है। मैं एक बार मोहित सर देख लेता हूँ कि पूर्ण रूप से आपका यहाँ पर दिख पा रहा है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल मोहित सर बिल्कुल सही आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोहित सर नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या डालेंगे अपनी साइड से, अगर मैं एक क्वेश्चन दूं आपको मोहित सर हाई स्कूल में बच्चों के लिए महत्वपूर्ण, तो आप क्या, आप अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन दो फिर मैं देता हूँ कि वो आता है नहीं आता बोर्ड में। सर देख लीजिए मैं क्वेश्चन में ऐसा रख दूंगा सर मेरा कटेगा नहीं सर, बिल्कुल बताया सर, अगर मेरी तरफ से आप इसमें क्वेश्चन डालना चाहते हैं तो आप इसमें एक क्वेश्चन डालिएगा जैव निम्नीकरण और जैव निम्नीकरण सर, अजैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण सर, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सर ये, ये ऐसा मान लीजिए कि मेरे बच्चों ये क्वेश्चन को काटने वाला इस बार कोई पैदा नहीं हुआ, आप इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट लिख दीजिए इस पर, क्योंकि ये पर्यावरण वाले चैप्टर से है सर। जी सर मोहित सर एक क्वेश्चन मैं देना चाहूंगा बच्चों को अगर आपकी अनुमति हो तो सर। बिल्कुल सर बिल्कुल सर, आप अगर इस क्वेश्चन में रखना चाहते हैं तो सर धमनी और सिरा में अंतर कैसा रहेगा सर? बहुत बढ़िया रहेगा, एक अंतर 200% आना है, वो रुधिर और लसिका में अंतर पूछ ले, धमनी सिरा में अंतर पूछ ले, या ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन में अंतर पूछ ले, तीनों में से एक अंतर रेगुलरली पूछे जा रहे हैं बार बार। बिल्कुल इस बार आपके लिए एक ना एक धमनी और सिरा का अंतर रहे, तो इसलिए आपके लिए ये भी अच्छा क्वेश्चन रहेगा धमनी तथा सिरा। तो मोहित सर मेरी तरफ से तो एनएफ रहेंगे ये क्वेश्चन, सिरा में अंतर, रुधिर और लसिका में अंतर। जी बिल्कुल मोहित सर, जी बिल्कुल सर बिल्कुल, सुपर फास्ट क्वेश्चन है सर। सो मोहित सर मैं नहीं चाहता कि बच्चों को और ज्यादा परेशान करूं क्योंकि बायोलॉजी एनएफ हो चुका है सर, एक ऑप्शन मेरे तरफ से भी रहेगा इसमें जो छूट पा रहा है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जंतु हार्मोन और पादप हार्मोन सभी हमारे छूट पा रहे हैं, उनमें से एक हार्मोन जरूर पूछा जाएगा आपसे, चाहे वो पादप हार्मोन हो चाहे वो जंतु हार्मोन से, एक हार्मोन पे कहीं काफी बार सर टिप्पणी पूछी गई है कई बार, इसलिए हम इसे लगा नहीं सकते। बिल्कुल सर बिल्कुल, आप पादप हार्मोन डालिए सर इसमें सर, पादप और जंतु हार्मोन सर, बहुत बढ़िया जबरदस्त सर, जबरदस्त मेमोरी है सर आपकी, आप पकड़ गए बात को, क्योंकि ये क्वेश्चन सर हर बार पूछा जा रहा है कि एमसीक्यू सर इससे। बिल्कुल सर बिल्कुल सर, मेरी तरफ से एनएफ हो चुका है सर, बायोलॉजी का पोर्शन आपका आज इतना लगभग 23 नंबर की बायोलॉजी आपको 23-24 नंबर की देखने को आपको मिलेगी, और इनमें से आपके लगभग सब टॉपिक आपके सामने हमने लिख दिए हैं, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, आप हम पे विश्वास रखें, इनमें से आपको सब कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल सर थैंक यू।